नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। होली के त्योहार लेकर देश भर में धूम देखने को मिल रही है। लोगों ने पूजा पाठ कर होलिका का दहन भी किया और आज पूरे देश भर में धूम देखने को मिल रही है। तो चलिए सीधे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी मौजूद है। एसके वाजपेयी, तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से राजधानी लखनऊ में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास से हैं, जहां पर वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग यहां पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं ये वो तस्वीरें हैं जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने आवास पर मौजूद हैं और अपने आवास पर वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग आप देख सकते हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। होली का त्योहार है और होली इस बार काफी खास है। खास लिए है, देश में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव से पहले ये होली काफी कुछ और कहीं ना कहीं इस संदेश के जरिए एक मैसेज भी देने। उत्तर प्रदेश में अगर इसका सबसे बड़ा सूबा, ज्यादातर जो विपक्षी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसे में हमने सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास से और अब हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास से। लगातार कहीं ना कहीं लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, काफी भीड़ है और उनके जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसके जरिए से एक मैसेज भी डिप्टी सीएम देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस होली पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी जरूरत भी है कि 2024 के चुनाव में बेहतर परफॉर्म किया जाए और 2024 के चुनाव के जरिए से एक मैसेज भी दिया जाए। निश्चित तौर पर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात करने की भी कोशिश करेंगे और इसके जरिए से किस तरीके का संदेश वो देना चाहते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं अबीर गुलाल से पूरी तरीके से रंगे हुए हैं और इसके जरिए से कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश बिल्कुल कोशिश हम कर रहे हैं। लगातार काफी भीड़ है और लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समर्थकों से मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको रंग लगा रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं और इसके जरिए से एक पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश। हालांकि होली हर बार होती है उत्तर प्रदेश में, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं अपने तीसरे कार्यकाल के लिए अब चुनाव लड़ने जा रही है, उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण ये वाली होली जो अब आज हो रही है। जी बिल्कुल, इसके वाजपेयी देखिए जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई उप मुख्यमंत्री के घर से आवास से और साथ ही साथ कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। 24 का रण है, होली का रंग है, होली का त्योहार है, किस तरीके से कार्यकर्ता इस बार मना रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम बहुत सारे लोगों सर क्या कहेंगे आज होली का त्योहार और हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर आज होली का यह ऐतिहासिक पर्व, पूरा देश ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व में बसे हुए भारतवासी मना रहे हैं, उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं पहले देता हूं। लोकसभा चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, चुनाव के बीच में इस बार की होली आई है, अलग आनंद है और आज ही के दिन हमारी सरकार के भी 2 वर्ष लगभग पूरे हो गए हैं उत्तर प्रदेश के और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार 400 पार का नारा देकर के हम जनता के बीच में हैं और जनता का समर्थन मिल रहा है, इसलिए पूरे विश्वास से कह सकते हैं 4 जून 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। इस बार की होली काफी खास है क्योंकि केंद्र की भी तीसरी बार सरकार आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं 80 में 80। हाँ निश्चित तौर से केंद्र में सरकार बनी थी और केंद्र में सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेंगे और इसके लिए जनता भी तैयार है, कार्यकर्ता भी तैयार है और विपक्ष भी तैयार है कमल खिलाने के लिए। विपक्ष को क्या कहेंगे, एक पॉलिटिकल को होली की शुभकामना देंगे। धन्यवाद, ये है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं विपक्ष को भी हम होली की शुभकामनाएं देंगे
और उनसे भी कहेंगे इस बार अब की बार 80 पार 400 पार की जैसे नारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें भी हम आपको यहां से दिखाएंगे, लगातार वो तस्वीरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरा ढोल मंजीरे गाने का भी इंतजाम है और इसके जरिए से एक मैसेज भी देने की बिल्कुल। ये तस्वीरें हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश। बिल्कुल ऐसे वाजपेयी, ये जो तस्वीरें हैं बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि ऐसी तस्वीरें पूरे देश भर में आज देखने को मिल रही है। होली का पर्व है, बड़े ही धूमधाम से आज पूरे देश भर में होली का पर्व मनाया जा रहा है।